स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है आप सबके प्यारे श्री कृष्ण के साथ, जहां पर वो गणेश के बारे में सोचकर काफी ज्यादा प्रसन्न हो रहे होते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि माँ पार्वती गणेश के साथ सारे देवताओं का आदर सत्कार कर रही होती है, जहाँ पर गणेश इंद्रदेव से पूछते हैं कि क्या आपके पास त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली कोई शस्त्र है। तो यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि नहीं गणेश, ऐसा शस्त्र तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं बना ही नहीं है जो त्रिशूल को मार दे सके, और वो हम देवताओं के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। गणेश की जिद को देखते हुए माँ पार्वती सबको भोजन के लिए आमंत्रित करती है और कहती है आप लोग भोजन के स्थान पर बैठे और हम थोड़ा सा और विलम्ब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्य अतिथि आने बाकी है। गणेश कहते हैं कि भला ऐसे कौन है जिनके इंतजार में हम सबको भूखा रहना पड़ रहा है, आखिर कौन आने वाला है। यहाँ पर गौरी माँ कहती है कि वही जो हर बार विलम्ब करते हैं हर जगह जाने में, और यहाँ पर वो श्री कृष्ण की राह देख रही होती है। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं अपने महल में बैठकर, जहाँ पर राधा आती है उन्हें डांटने के लिए, लेकिन उनकी बांसुरी की धुन सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो जाती है और उन्हें देख दे जाती है। जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजाना खत्म करते हैं राधा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ गई हो ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम आई क्यों हो ये वजह बताओ। राधा कृष्ण पर डांटती है और कहती है कि मैं आई तो तुम्हें डांट लगाने के लिए थी, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि आज मैं एक महाभोज में जाऊँगा और उसकी ही तैयारी कर रहा हूँ और वो अत्यंत विशेष है। तभी वहाँ पर बलराम बाबूआ जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा ऐसा कौन सा भोज है जिसका निमंत्रण सिर्फ तुम्हें मिला है मुझे नहीं। राधा कहती है हाँ मुझे भी नहीं, बताओ ऐसा कौन सा भोज है। तभी श्री कृष्ण दोनों को एक्सक्यूज देते हुए कहते हैं राधा से कि देखो तुम तो खाती ही नहीं हो, इससे अन्य का अपमान होता है, और दाऊ आप सब कुछ खा जाते हैं और किसी और को कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं, इसीलिए आप दोनों को यहाँ निमंत्रण नहीं दिया गया है। और वैसे भी जिस बाल के लिए यहाँ महाभोज की तैयारी की गई और वो
गौरी माँ को हैंड ओवर कर देते हैं। गौरी माँ सबको भोजन परोसने लगती हैं और खाने के लिए कहती हैं। यहाँ पर सभी लोग देवता श्री कृष्ण, गणेश और नंदी के साथ साथ सारे गण भोजन का आनंद लेते हैं। जहाँ पर श्री कृष्ण फिर खीर की बारी आती है। जैसे ही गणेश खीर को चखते हैं, सभी लोग वहाँ राधा की बनाई हुई खीर की वह पान करते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि श्री राधा के हाथ की बनी खीर तो स्वर्ग अमृत के समान होती है। कहाँ चले जाते हैं? उधर दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण है वो